भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज बेंगलुरु में शुरू होने वाला था। बेंगलुरु के अंदर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रही इतनी तेज बारिश के चलते पहला पूरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया है और पहले दिन के स्टंप्स की घोषणा कर दी गई है। यहां तक कि मुकाबले में टॉस भी नहीं हो पाया है। बेंगलुरु में मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बेंगलुरु शहर में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें बारिश की तीव्रता बढ़ने की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 16 अक्टूबर को शहर भर में आंगनवाड़ी केंद्रों सहित सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी थी। कैसा है टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन के मौसम का हाल? मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार कल भी तकरीबन 40% बारिश का आसार है, जिसमें पूरे दिन में बादलों का साया 100% तक रहने वाला है। ऐसे में कल भी मुश्किल से ही खेल शुरू होता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर मौसम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। बेंगलुरु टेस्ट के दौरान सभी दिनों पर बारिश होने की काफी संभावना है। बारिश के कारण मंगलवार को भारत का अभ्यास सत्र भी रद्द हो गया था। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला आज शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से आज टॉस भी नहीं हो पाया है। बेंगलुरु में झमाझम बारिश हो रही है। पिच को पिछले कई दिनों से ढक कर रखा गया है। फैंस को हो रही है खूब परेशानी। नहीं, हम आ गए थे 7:30 बजे से, यहाँ पे खड़े हैं, 2 घंटे हो गए, अभी अंदर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंट हो रहा है, काफी दूर से आए हुए हैं। बैंगलोर के बहुत दूर से, नॉर्थ बैंगलोर से आए हैं, 20-25 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं मैच देखने के लिए। सब बर्बादी हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है तो मैच नहीं होने वाला है शायद। हम पहला बार आए सर, फर्स्ट टाइम आया बेंगलुरु मैच देखने के लिए। मैच अभी होने का चांस ही नहीं है। अंदर जा रहे, अंदर जाके थोड़ा मजा ले। टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है ये टेस्ट सीरीज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से भारत के लिए ये टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा अहम है। अगर भारत इस सीरीज में 3-0 से जीतने में सफल होता है तो उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उनका अब तक का एशिया दौरा कुछ अच्छा नहीं गया है। श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज में उन्हें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं अफगानिस्तान के साथ खेला जाने वाला एकमात्र टेस्ट मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में अब देखना होगा क्या मुकाबले के बाकी दिनों पर मैच हो पाता है या नहीं, और क्या टीम इंडिया को जरूरी अंक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाजे से प्राप्त हो पाते हैं या फिर नहीं।